नमस्कार, जय सियाराम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है यह फूल निषिद्ध के ऊपर है। फूल किस तरह के भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो फूल पत्ते और जल बासी हो गए हैं उन्हें देवताओं पर नहीं अर्पित करना चाहिए। बासी होने का अर्थ क्या है? तो बासी अर्थात रात्रि के पहले तोड़े गए पुष्प, अर्थात एक रात्रि व्यतीत हो जाने पर वह जो है बासी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है बासी पुष्प, बासी जल, बासी पत्ते नहीं अर्पित करना चाहिए। किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते हैं। तीर्थों का जल भी जो है वह बासी नहीं माना जाता है। वर्ज्यम पर्युषितं पुष्पं, वर्ज्यम पर्युषितं जलं, न वर्जन् तुलसीपत्रं, न वर्जन् जाह्नवी जलं। अर्थात तुलसीपत्र और जाह्नवी जल अर्थात गंगा जल वर्जित नहीं है, यह जो है सदैव शुद्ध रहते हैं। आचारेंदु में आया है कि माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी होने का दोष नहीं लगता है। न पर्युषित दोषोस्ति मालाकार गृहे सुचा, अर्थात मालाकार जो पुष्प बनाने वाला है, पुष्प चयन करने वाला है, माला बनाने वाला है, उसके घर का पुष्प जो है वह एक रात्रि तक अशुद्ध नहीं होता। अर्थात उसके घर में अगर पुष्प एक रात्रि रखे हुए हों तो जो है उसके पुष्प अशुद्ध नहीं माने जाते। उसके पुष्पों को आप जो हैं प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मणि, रत्न, स्वर्ण, वस्त्र आदि से जो बनाए गए पुष्प होते हैं वह भी बासी नहीं होते हैं। इन्हें जो है बस प्रोक्षण करके, इनके ऊपर जो है जल का छिड़काव करके, जल का सिंचन करके इनको चढ़ा देना चाहिए। तत्व सागर संहिता का वचन है, मणि रत्न सुवर्णादि निर्मितं कुसुमोत्तमं तत्परं कुसुमं प्रोक्तम अपरं चित्र वस्त्रजं पराणाम पराणांच निर्माल्यत्वन्न विद्यते। अर्थात जो है जो मणि वाले पुष्प होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो मणि रत्न इत्यादि के पुष्प जो हैं बना करके रखते हैं और उन्हीं को चढ़ाते हैं। कुछ जो हैं सोने चांदी के पुष्प हैं वह भी भगवान को अर्पित करते हैं। कुछ जो हैं वस्त्र वाले पुष्प जो हैं बना करके, वस्त्रों की माला, आजकल जो है बड़ी फैंसी जो वस्त्र इत्यादि आते हैं उनकी जो माला है वह भी अशुद्ध नहीं होते हैं। आपको यहाँ यह जानकारी भी मिल गई कि मणि, रत्न, सुवर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल माला बासी नहीं माने जाते हैं, बस इन्हें जल से प्रोक्षण करना चाहिए। शास्त्र का ही वचन है, जो निर्माल्य हो चुका है वह पुष्प भी अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे यह पुष्प हमने भगवान को अर्पित कर दिया है तो यह पुष्प उठा करके हम सोचे कि अब किसी अन्य देवी देवता पर अर्पित कर दें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार जिस देवी देवता को हमने जो पुष्प अर्पित कर दिया है वह दोबारा वहाँ से निकाल लेने के पश्चात निर्माल्य हो जाता है, इसलिए जो है उस पुष्प को दोबारा अर्पित नहीं करना चाहिए। सूंघा हुआ पुष्प, अगर हम इस पुष्प को सूंघ लेते हैं, इसकी सुगंध ले लेते हैं, तब भी इसको हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। अपने अंग में लगाया हुआ, अंग का अर्थ यह नहीं है कि हमारा हाथ तो हमारा ही अंग है तो हमने जो है उस पर स्पर्श कर लिया है तो वह तो निर्माल्य हो गया, ऐसा नहीं। अंग कहने का भाव यहाँ यह है, अपने अंगों के प्रयोग में उस पुष्प को ग्रहण नहीं करना है। अंग कहने का भाव यहाँ यह है, तो जो हम अपने प्रयोग में ले लेते हैं, अपने अंगों के प्रयोग में, उस पुष्प को भी भगवान पर नहीं अर्पित करना चाहिए। अब कुछ लोग जो है यहाँ यह प्रश्न कर देंगे कि भंवरा जो होता है वह भी तो पुष्प को सूंघता है, मधुमक्खी जो होती है वह भी तो पुष्प को सूंघती है, तो क्या उनके सूंघ लेने से पुष्प दूषित होता है? तब विष्णु धर्मोत्तर नामक ग्रंथ में आया है कि मुक्त्वा भ्रमरे में कंतु, अर्थात जो भ्रमर हैं, मधुमक्खी हैं, उनको छोड़कर जो भी पुष्प को सूंघ लेवे
उस पुष्प को जो है भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ का वचन है, कुपात्रांतर संस्थानी कुत्सित स्थान जानी चा वन्नी कीटा पविद्धानी विशोभान्य शुभानि वै एवं विधानि पुष्पाणि त्याज्यानेव विचक्षणैहि। जो पुष्प अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, ऐसा बर्तन जो साफ सुथरा ना हो, जो अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, कई पुष्प ऐसे होते हैं नाली वगैरह में भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो पुष्प अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, अगर उसमें आग की लपट लग गई हो, कीड़ों से विद्ध हो, ऐसे पुष्प जिनमें जो है ढेर सारे कीड़े लगे रहते हैं और देखने में सुंदर ना हो, ऐसे पुष्प को जो हैं भगवान पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर गई हों, जिसके ये पंखुड़ियाँ होती हैं ना, ये जो बिखर जाती हैं, निकल जाती हैं और थोड़ा सा पुष्प ही बचा है, जैसे कि मान लीजिए यह पुष्प आधा हमने यहाँ तोड़ दिया, अब सोचे कि यह पुष्प जो है हम भगवान को अर्पित करें, तो ऐसे पुष्प भी भगवान को नहीं स्वीकार होते हैं। तो इसलिए जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर गई हों, जो पृथ्वी पर गिर गया हो, महिंगतई ही अर्थात जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः ना खिला हो, ये देखिए ये पुष्प जो है यह पूरी तरह से नहीं खिला है, ये कली है, ठीक है ना, ये पूरी पूरा खिला हुआ पुष्प है और ये कली वाला पुष्प है। यहाँ हमने एक और पुष्प रखा है आपको दिखाने के लिए, ये देखिए ये खिला हुआ है, ये कली है। तो ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखें ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए। कलियों को चढ़ाना तो मना है, परंतु यह बात कमल पुष्प पर लागू नहीं होती है। कमल पुष्प जो है यह आप कली के स्वरूप में भी अर्पित कर सकते हैं। स्मृति सारावली नामक ग्रंथ में आया है, कमल पुष्प जो है भगवान को कली के स्वरूप में भी ग्राह्य है, अतः जो है अन्य पुष्पों को कली के स्वरूप में नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल कमल पुष्प को छोड़कर। इसके अलावा जो फूल बाएं हाथ से तोड़े गए हैं, फूल सदैव दाहिने हाथ से तोड़ना चाहिए, जो फूल बाएं हाथ से तोड़े गए हैं वह फूल भी भगवान को स्वीकार नहीं है। ऐसे पुष्प जो आक के पत्ते के ऊपर रखकर लाए गए हों, ऐसे पुष्प भी भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए, वे फूल त्याज्य माने जाते हैं। करानीतम पटानीतम आनीतम चार्क पत्र के एरंड पत्रे प्यानी तन तत्पुष्पम सकलं त्यजेत। एरंडी का पत्ता जिसको जो है रेंडी भी कहा जाता है, तो एरंड के पत्ते के ऊपर रखकर भी जो है पुष्प नहीं लाने चाहिए, ऐसे पुष्प जो हैं त्याज्य हैं, उनका जो है त्याग कर देना चाहिए। तत्वसार संहिता का वाक्य है, फूल को जल में डुबोकर धोना मना है, केवल जल से इसका प्रोक्षण कर देना चाहिए। गंधोदकेन चैतानि त्रिहि प्रोक्षैव प्रपूजयेत। पुष्प इत्यादि जो है जल में धो करके कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, जल का केवल छिड़काव करना चाहिए। हमने पूर्व में एक वीडियो डाला है, उस पर एक कमेंट आया है कि फूल तो धोकर ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फूल आप सुंदर जगह से तोड़ें, अच्छी जगह से तोड़ें, तो उसे धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना धोए फूल नहीं चढ़ाया जा सकता, तो उसके लिए शास्त्र का निषेधात्मक वाक्य है। तत्वसार संहिता कह रही है कि फूल को जल में डुबोकर धोना मना है, केवल जल से इसका प्रोक्षण कर देना चाहिए। आशा करते हैं पुष्प के विषय में दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, मन में कोई भाव है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।